जनवरी 2019 में लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद सुजा नाम के एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैकर ने इंडियन गवर्नमेंट पर ये एलिगेशंस लगाए थे कि इंडिया के 2014 लोकसभा इलेक्शन में ईवीएम को हैक किया गया था और इसी वजह से कांग्रेस को 200 सीट्स का लॉस हुआ था और बीजेपी पावर में आई थी। उसने ये भी बताया कि बीजेपी एमपी गोपीनाथ मुंडे को इस ईवीएम हैक के बारे में कुछ पता चल गया था और वो पहले से ही बीजेपी से नाखुश था, इसीलिए वो बीजेपी को एक्सपोज करना चाहता था, लेकिन उनका मर्डर करवा दिया गया। सुजा का कहना था कि वो इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL का फॉर्मर एम्प्लॉई रह चुका है और वो उस टीम का पार्ट था जिसने 2014 के इलेक्शंस में यूज होने वाले ईवीएम्स को प्रोग्राम किया था। सुजा ने ये भी क्लेम किया कि 2014 के बाद से सभी इलेक्शंस में हैक्ड ईवीएम्स का इस्तेमाल किया गया है और 2015 में दिल्ली इलेक्शंस के टाइम पर सुजा की टीम ने ईवीएम्स को हैक होने से रोक लिया था, इसलिए दिल्ली में बीजेपी नहीं जीत पाई और आम आदमी पार्टी जीत गई। और उसी ने साल 2018 के स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी को ईवीएम हैक करने से रोक लिया, वरना बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जीत जाती। जिस इवेंट में सैयद सुजा ने ये एलिगेशंस लगाए उसमें कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल भी पहुंचे हुए थे। हालांकि सैयद सुजा ने इस इवेंट में बस एलिगेशंस ही लगाए थे, उसने लाइव ईवीएम हैक करके नहीं दिखाया था और ना ही अपनी किसी बात का कोई प्रूफ दिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर अपना रिस्पॉन्स दिया जिसमें उन्होंने इन सभी एलिगेशंस को बिल्कुल गलत बताया और कहा कि ईवीएम बिल्कुल फूल प्रूफ है और उसको हैक नहीं किया जा सकता। अब बाद में ये भी पता चला कि सैयद सुजा ECI का कोई फॉर्मर एम्प्लॉई नहीं है और वो व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्लैरिफिकेशन देने के बावजूद भी ईवीएम पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और अभी क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस भी शुरू हो चुके हैं, ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ईवीएम को लेकर डाउट रहते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बारे में लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। इसमें दो चार मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो गई। हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। देखिए दोस्तों, ईवीएम कोई एक मशीन नहीं होती बल्कि तीन मशीन्स का एक सेट होता है, जिसमें पहली होती है बैलेट यूनिट, दूसरी होती है VVPAT और तीसरी होती है कंट्रोल यूनिट। जब भी कोई वोटर वोट देने जाता है ना, तो वहाँ एक ऑफिसर कंट्रोल यूनिट लिए हुए बैठा रहता है। जैसे ही वो कंट्रोल यूनिट की बैलेट बटन को प्रेस करता है तो बैलेट मशीन रेडी हो जाती है। इसके बाद वोटर अपना वोट डाल सकता है। वोट डालने के बाद बैलेट मशीन का यूज किया जाता है। बैलेट मशीन पर सभी कैंडिडेट्स की डिटेल्स और उनकी पार्टी का साइन बना हुआ होता है और सभी के सामने एक बटन होता है। जैसे ही वोटर बैलेट यूनिट में अपने फेवरेट कैंडिडेट को चूज करता है ना, वैसे ही उस कैंडिडेट के आगे रेड लाइट जलती है और इसके बाद जो VVPAT यानी कि वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन होती है ना, उसमें एक पेपर स्लिप जनरेट होता है जिसमें वोट देने वाले का सीरियल नंबर, नाम और जिस कैंडिडेट को उसने नोट किया है उसकी पार्टी का सिंबल ये शो किया जाता है, ताकि वोटर ये वेरीफाई कर सके कि उसका वोट उसकी ही चूज की हुई पार्टी को गया है या नहीं। ये पेपर स्लिप VVPAT में सिर्फ 7 सेकंड्स के लिए ही शो की जाती है। तो टोटल ये तीन मशीन्स होती है और तीनों एक दूसरे से एक वायर के जरिए कनेक्टेड होती है। इसके अलावा इन मशीन्स में कोई भी वायरलेस कनेक्शन जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट कुछ भी नहीं होता और इसी वजह से इन्हें हैक नहीं किया जा सकता। फिर कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है कि भाई ईवीएम से छेड़छाड़ तो हो सकती है ना, हो सकता है कि उसके प्रोग्राम्स को चेंज कर दिया जाए या ईवीएम बनाते वक्त ही उसमें कुछ ऐसे सिस्टम इंस्टॉल कर दिए जाए कि चाहे वोटर किसी को भी वोट दे लेकिन वोट केवल एक ही पार्टी को जाए। तो देखो दोस्तों, ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईवीएम को बनाने का काम दो पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स यानी कि PSUs करती है। पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL। और
साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्शन कमीशन टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी यानी कि TEC भी इन्वॉल्व रहती है। तो ऐसे में ये कहना कि EVM बनाते वक्त ही उसमें मैनिपुलेशन की जाती है, ये सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर इल्जाम लगाना होगा। इलेक्शन कमीशन इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाना अपनी कंट्री की डिसरिस्पेक्ट करना है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होने के नाते इलेक्शन कमीशन सिर्फ कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए। और देखो, EVM से छेड़छाड़ करना इसीलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस भी बहुत ही सिक्योर्ड और कॉन्फिडेंशियल होता है। EVM का कोई भी पार्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर ही तैयार की जाती है। और जहां ये EVMs मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ना, वहां पर CCTV कैमरास, अलार्म और अलर्ट जनरेटर लगा हुआ होता है, और वहां पर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउ ही नहीं होता। और अभी 2013 के बाद से जो EVM का मॉडल यूज हो रहा है ना, वो टेम्पर प्रूफ है, यानी कोई भी मशीन से छेड़छाड़ करता है या अगर बिना ऑथोराइजेशन के EVM को यूज करने की कोशिश भी करता है ना, तो वो काम करना ही बंद कर देगा। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग पूरी होने के बाद EVMs को डायरेक्टली फैक्ट्री से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दिया जाता है, ताकि बीच में किसी टेम्परिंग की संभावना ना रहे। इसके बाद इन मशीन्स को DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। जब EVMs फैक्ट्री से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते हैं, तो बेल या ECIL के इंजीनियर्स EVMs को चेक करते हैं और देखते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। इस चेकिंग प्रोसेस को देखने के लिए भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है। और इसके बाद ना एक मॉक वोटिंग भी की जाती है, जिसमें क्या होता है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा सभी EVMs में से कुछ EVMs को रैंडमली सिलेक्ट करवाया जाता है, और फिर उन EVMs में मॉक वोट डाले जाते हैं। सभी EVMs में अलग अलग अमाउंट में वोट डाले जाते हैं, कुछ EVMs में 1200, कुछ में 1000, तो कुछ में 500 वोट्स डाले जाते हैं। और जो EVMs मॉक वोटिंग में पास हो जाती है ना, उनको ही आगे इलेक्शंस में यूज किया जाता है, और जिन EVMs में कोई भी डिफेक्ट होता है, उन्हें वापस फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स को चूज कर लेती है, तो उसके बाद उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाकर दोबारा से मॉक वोटिंग करवाई जाती है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि जिस दिन इलेक्शन होना होता है ना, उस दिन भी एक बार मॉक वोटिंग की जाती है, और डिस्ट्रिक्ट के किस पोलिंग स्टेशन में कौन सी EVM भेजी जाएगी, ये भी रैंडमली ही सिलेक्ट किया जाता है। और जिस दिन इलेक्शन होना होता है, उस दिन EVM को उसकी सिलेक्टेड डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया जाता है। वोटिंग पूरी होने के बाद EVMs को सील करके स्ट्रांग रूम में दोबारा से रख दिया जाता है। स्ट्रांग रूम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि DEO के ऑफिस में ही बना हुआ होता है। ये स्ट्रांग रूम 24/7 CCTV कवरेज में रहता है, और उसमें डबल लॉक सिस्टम लगा हुआ होता है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स भी हमेशा स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात रहते हैं। और जो DEO होता है ना, वो हर महीने EVMs की एक्सटर्नल कंडीशन का इंस्पेक्शन करता है, और EVMs की फोटोज के साथ पूरी रिपोर्ट सीनियर अथॉरिटीज को भेजता रहता है। लेकिन ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने किया जाता है, ताकि किसी तरह की टेम्परिंग का कोई भी चांस ना रहे। अब वोट काउंट करने के बाद और इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के बाद बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को सील करके उनके बॉक्सेस में रख दिया जाता है, और VVPAT के स्लिप्स को VVPAT मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है, और इन सभी चीजों को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की कस्टडी में सील करके रख दिया जाता है। तो ECI की इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के बाद कोई EVM को कैसे टैम्पर कर सकता है, और सारा का सारा प्रोसेस तो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स के सामने ही होता है, तो फिर हैकिंग का ये टेम्परिंग का कोई चांस ही नहीं रह जाता। और दोस्तों, ये जो EVM होती है ना, इनका लाइफ स्पैन भी सिर्फ 15 साल का ही होता है, और एक EVM मैक्सिमम 2000 वोट ही रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि इन जनरल 1500 वोट्स ही एक EVM में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस वजह से इलेक्शंस में बहुत ज्यादा EVMs की जरूरत पड़ती है। डेटा की बात करें तो 2019 में 1600,000 नए EVMs इलेक्शन कमीशन ने एक्वायर करी थी। तो फिर कोई इतनी सारी EVMs को किस तरह से हैक कर सकता है, कभी सोच के देखा है? क्योंकि जिस तरह की हाई सिक्योरिटी और प्राइवेसी में EVMs को रखा जाता है ना, एक भी EVM को हैक करना पॉसिबल ही नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि EVMs अब टेम्पर प्रूफ फीचर के साथ आते हैं। अगर कोई EVM को ओपन करके उसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली काम करना ही बंद कर देगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर EVM को हैक नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी टेम्परिंग की जा सकती है, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज EVM का रोना क्यों रोया करती है? The
देखो ये सिंपल ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम हारते हैं ना तो हम खुद की गलती पर विचार करने के बजाय ये सोचने के बजाय कि हम आखिर क्यों हार गए, हम कोई नया एक्सक्यूज ढूंढने लग जाते हैं। कुछ यही चीज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी होती है। जब वो चुनाव जीत जाती है तो सब ठीक रहता है, ईवीएम में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चुनाव हार जाती है तो अपनी हार का पूरा ठेकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं। बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है, इसमें दो चार मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो गई। आज तक किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने के बाद ईवीएम के खिलाफ एक भी शब्द कहते हुए सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन जब हारते हैं तो सब ईवीएम हैक करने लगते हैं। और देखो ये मैं सिर्फ कांग्रेस या दूसरी पार्टीज के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि साल 2014 के पहले जब बीजेपी चुनाव करती थी ना तो वो भी ईवीएम को ब्लेम करती थी। 2009 में 3 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन में हारने के बाद बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि ईवीएम कांग्रेस वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन बन गई है। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात बदल दी और कहने लगे कि सिर्फ ईवीएम ही जिम्मेदार नहीं है, हमें और भी चीजों पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा साल 2009 में बीजेपी के काफी जाने माने लीडर एलके आडवाणी जी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ नहीं है। तब कांग्रेस को ईवीएम से कोई भी परेशानी नहीं थी और आज जब बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस और दूसरी ओपोजिशन पार्टीज ईवीएम पर सवाल उठाती है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है। जबकि कांग्रेस खुद साल 2004 और फिर 2009 में दोनों बार ईवीएम वोटिंग से ही चुनाव जीती थी। देखो इंडिया में ईवीएम पहली बार साल 1982 में केरला के एक लेजिस्लेटिव असेंबली पारावूर के बाई इलेक्शन में यूज किया गया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक चीज का यूज इलेक्शन में करने को गलत बताया था और कहा था कि साल 1951 पीपल एक्ट के सेक्शन 59-61 के तहत किसी भी इलेक्शन में सिर्फ पेपर बैलेट्स का ही यूज होना चाहिए। अगर हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो इंडियन पार्लियामेंट को इस लॉ को संशोधित करना होगा और इसीलिए साल 1989 में इंडियन पार्लियामेंट ने इस पीपल एक्ट में कुछ संशोधन किए ताकि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की यूसेज को लीगल किया जा सके। इसके बाद साल 1998 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ईवीएम का यूज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर किया गया। इसके बाद 2001 में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी और केरला के स्टेट असेंबली इलेक्शन में ईवीएम का यूज किया गया और साल 2004 के जनरल इलेक्शन में ईवीएम का यूज हुआ, जिसके बाद से सभी स्टेट असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ईवीएम से ही होते आ रहे हैं। हालांकि साल 2013 के पहले ईवीएम में सिर्फ बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट का ही यूज होता था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीवीपीएटी मशीन को भी ट्रायल बेसिस पर यूज करना स्टार्ट कर दिया और साल 2019 आते आते लगभग हर इलेक्शन में वीवीपीएटी मशीन का यूज होने लगा। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी भी ईवीएम को ब्लेम करना बंद नहीं किया है। अभी साल 2017 में आम आदमी पार्टी ने भी ईवीएम पर काफी हो हल्ला किया था और 9 मई 2017 के दिन तो आपके एक नेता सौरभ भारद्वाज, जो अभी दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने दिल्ली असेंबली में एक ईवीएम को हैक करके दिखाया था। हालांकि फिर मीडिया में ये सवाल उठे कि ये ईवीएम क्या इलेक्शन कमीशन का है, क्या इलेक्शन कमीशन ने इन्हें ईवीएम खुद दिया है या ये खुद अपना ईवीएम बनाकर लाए हुए हैं और उसको ही हैक करके दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो ईवीएम इलेक्शन कमीशन बनाते हैं ना वो टेंपर प्रूफ होता है। अब अगर आप खुद का एक मॉडल ईवीएम बना के उसको हैक करके दिखाएंगे तो इससे कुछ भी साबित नहीं होता और यही बात इलेक्शन कमीशन ने भी कही थी। लेकिन जब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई ना तो इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया। 20 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पार्टीज को खुला चैलेंज दे दिया। ईसीआई ने 7 नेशनल पार्टीज और 49 स्टेट पार्टीज को चैलेंज किया था कि आप ईवीएम को हैक करके दिखाओ और इसके लिए ईसीआई ने 3 जून का दिन डिसाइड किया था। इस चैलेंज में शामिल होने के लिए लास्ट डेट 26 मई की थी और जब लास्ट डेट निकल गई तब सिर्फ सीपीआई और एनसीपी, इन दो पार्टीज ने ही चैलेंज में पार्ट लिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो पार्टीज ईवीएम को ब्लेम करती है, जब खुद उन्हें ईसीआई ने ईवीएम को हैक करने के लिए इनवाइट किया तो वो लोग गए ही नहीं। पता है क्यों नहीं गए? वेल, इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि अगर वहां पहुंच जाएंगे और फिर ईवीएम को हैक नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी और फ्यूचर में वोट का लॉस भी होगा। अब आम जनता तो यार मूर्ख है ना, उनको अगर कुछ भी पट्टी पढ़ाओगे तो वो तो समझ ही जाएगी। इवन जिन दो पार्टीज ने ईसीआई का चैलेंज एक्सेप्ट किया था, जब उनके ईवीएम को हैक करने का टाइम आया तो वो भी पीछे हट गई। दोनों पार्टीज ने कहा कि वो यहां ईवीएम हैक करने नहीं आए थे, बल्कि वो तो बस ईवीएम के प्रोसेस को समझना चाहते थे। मतलब बताओ, ये ईवीएम को हैक करने जैसी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और इनको इनका प्रोसेस ही नहीं पता। अभी सब के बाद इलेक्शन कमीशन के चीफ ने क्लियर कर दिया कि किसी भी पार्टी ने ईवीएम को हैक नहीं किया। इससे ये साफ हो जाता है कि ईवीएम नॉन टेंपरेबल है।
अब कुछ लोगों का ना ईवीएम के अगेंस्ट में ये भी कहना होता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी और इटली तक ईवीएम का यूज नहीं करती है और ये सभी कंट्रीज बैलेट पेपर से इलेक्शन कंडक्ट करवाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ईवीएम उतना सिक्योर नहीं है। तो फिर इंडिया में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का यूज क्यों नहीं होता? तो देखो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है एज कम्पेयर टू जर्मनी या इटली जो कि हमारे एक स्टेट के बराबर है। खुद सोच कर देखिए कि जो देश दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में 17% की हिस्सेदारी रखता हो अगर वहाँ बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाए जाएंगे तो कितना ज्यादा पेपर उनके लिए यूज होगा और फिर उस पेपर के लिए कितने ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे और उससे एनवायरनमेंट को फिर कितना ज्यादा नुकसान होगा। जब ईवीएम की टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब बैलेट पेपर्स का यूज करना एक मजबूरी था, लेकिन आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं तो फिर उस टेक्नोलॉजी का यूज करके इलेक्शन करवाने में किसी भी पार्टी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने के और भी नुकसान है जो हम पिछले साल बंगाल के पंचायत इलेक्शन के दौरान देख चुके हैं जब किसी पार्टी का एक आदमी बैलेट बॉक्स को उठाकर ही भाग गया। कुछ पार्टी के लोगों ने बोगस वोटिंग करनी शुरू कर दी यानी फेक वोट्स डालने शुरू कर दिए जिससे नाराज होकर वहां के लोगों ने बैलेट बॉक्स को ही आग लगा दी और कहीं कहीं पर तो बैलेट पेपर्स में इंक डाल दिया गया। वैसे इस वाले इवेंट के बारे में कभी भी जर्मनी में बैठे यूट्यूबर्स ने बात नहीं की है और ये पहली बार नहीं हुआ है। साल 1985 में भी जब बिहार में इलेक्शंस हुए थे ना तो सबको पता है कि किस तरह से बंदूक की नोक पर बूथ कैप्चरिंग की गई थी। हालत ये हो गई थी कि इलेक्शन कमीशन को 156 बूथ्स में दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़े थे। इसीलिए इंडिया में बैलेट पेपर से इलेक्शंस कंडक्ट करवाना एक अच्छा आइडिया नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं तो बूथ कैप्चरिंग की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, इसीलिए बैलेट पेपर से ईवीएम बहुत ज्यादा बेहतर होता है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को बैलेट पेपर से बेहतर बताया। दरअसल अभी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के मुद्दे को लेकर फिर से एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए गए थे और ये मांग की गई थी कि वीवीपीएटी स्लिप्स को ईवीएम के साथ टैली किया जाए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 3-4 चीजों पर क्लैरिफिकेशन मांगा था जिसमें से बात हमारे लिए बहुत काम की है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि ईवीएम का जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल यूनिट में होता है या वीवीपीएटी में होता है। तो इसके रिप्लाई में इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और ईवीएम की चिप सभी में अपना खुद का माइक्रो कंट्रोलर होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि क्या ये माइक्रो कंट्रोलर वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है। इस पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने रिप्लाई दिया कि हाँ, सभी माइक्रो कंट्रोलर्स वन टाइम प्रोग्रामेबल ही होता है और उनको लगाते वक्त बर्न किया जाता है जिस वजह से उसकी प्रोग्रामिंग को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को अपना फैसला सुना दिया और उन्होंने सभी पेटिशंस को रिजेक्ट कर दिए जो वीवीपीएटी और ईवीएम को टैली करने की बात कह रही थी, क्योंकि अगर वीवीपीएटी स्लिप्स को ईवीएम के साथ टैली करना है तो इसके लिए उन्हें काउंट करना पड़ेगा और इंडिया में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स है। मान लीजिए अगर 60 करोड़ लोगों ने भी वोट दिया है तो 60 करोड़ वीवीपीएटी को मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा और उन्हें ईवीएम के वोट्स के साथ टैली करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी सिस्टम पर भरोसा ना करना बिना वजह के सस्पिशन को जन्म देता है, इसीलिए इस तरह से पूरे सिस्टम पर डाउट नहीं किया जा सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को ग्रीन चिट दे दी है तो हमें ईवीएम के बारे में पूरी तरह अश्योर्ड हो जाना चाहिए। देखो, पार्टीज बस अपनी हार को अपनी गलती नहीं मानना चाहती, इसीलिए वो ईवीएम को मुद्दा बनाते हैं। नाउ आई होप कि इस वीडियो से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ईवीएम कैसे वर्क करता है और क्यों इसे हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैसे दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस इलेक्शन के सीजन पे आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना और सिर्फ नाम मत बताना, साथ ही साथ ये भी बताना कि वो क्यों बनेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो उम्मीदवार ही नेक्स्ट पीएम बनना चाहिए, मुझे रीजन के साथ बताओ। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी जिसमें हमने बात किया है पनामा कनाल के बारे में। पनामा कनाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनाल रूट होता है शिप्स के जाने के लिए जो कि नॉर्थ अमेरिका में बना हुआ है, जिससे दुनिया भर के शिप्स का हजारों घंटे बच जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। लेकिन ये कनाल ना अब धीरे धीरे बंद होने वाला है, पर आखिर क्यों, जानने के लिए यहां पर टैप करो, इस वीडियो को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।